नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विक के में। और मैं लेकर आता हूँ हर रोज़ शाम को आप सभी के लिए टेक न्यूज़। दोस्तों आज ऐसी पांच टेक न्यूज़ लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, और बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप जान पाए टेक की दुनिया की पाँच ऐसी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों वन प्लस से। वन प्लस ने हाल ही में अभी वन प्लस 60 फोन लॉन्च किया था जो कि 4G है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 2019 में अगर कोई फ़ोन लेकर आने वाला है 5G, तो वन प्लस लेकर आने की बात बताई जा रही है। हाल ही के हुए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन टेक समिट के अंदर इस बात की पुष्टि हो गई है कि आने वाले साल यानी कि 2019 के अंदर वन प्लस का आने वाला है 5G का फ़ोन। तो दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 जो कि प्रोसेसर है, काफ़ी ऊपर का लेवल का प्रोसेसर है जिससे मिलेगी आपको हाई परफॉर्मेंस और अच्छी स्पीड के साथ में कि स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। खबरों के अनुसार ये है दोस्तों आपको वन प्लस सिक्स के बाद में अब वन प्लस 7 नहीं आएगा, इस तरह की बातें भी हो रही है। दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए चलते हैं अगली खबर पर, वो है दोस्तों आज चल रही है फ्लिपकार्ट पर जो चल रही है बिग शॉपिंग डे चल रहा है, जिसके अंदर आपको मिल रहे हैं स्मार्टफोन वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट के साथ में। तो दोस्तों फटाफट से जाइए, और आज से चलने वाली जो शॉपिंग है वो चलेगी 8 तारीख तक, यानी कि 3 दिन, 6, 7 और 8 दिसंबर 2018 तक ये शॉपिंग चलने वाली है। तो आपको मिलने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 6 Pro और Nokia 5.1 Plus, और इसके साथ ही Motorola One Power, और इसके साथ ही Google Pixel 2 X2 के साथ ये XZ है जो उसके साथ ही Asus Zenfone 5Z पर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट आपको मिलने वाले हैं। तो जाकर आप फटाफट से ख़रीदारी कर लीजिए वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये थी खबर फ्लिपकार्ट से, और अगली खबर पर चलते हैं, वो है मीजो नाम की कंपनी जो पिछले साल आई थी 1 साल पहले, और उसने वापसी कर ली है। भारत के अंदर उसने लॉन्च किए हैं 3 ऐसे फ़ोन जिनका नाम है मीजो C9, मीजो M60 और मीजो 16। तो ये इस तरह के 3 वेरिएंट इन्होंने 3 स्मार्टफोन मॉडल लॉन्च किए हैं। इसकी कीमत की बात करें तो मीजो C9 है 5,999 यानी कि 6,000 रुपये का, मीजो M60 है वो है 7,999 यानी कि 8,000 रुपये का, इसके साथ ही मीजो M16 16TH जो सबसे ऊपर का मॉडल है उसके अंदर आपको 39,999 यानी कि 40,000 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। सबसे ऊपर के मॉडल के अंदर आपको मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसमें आपको ये जो बजट फ़ोन है उसमें भी काफ़ी अच्छे फीचर मिल रहे हैं जो कि रियलमी C1 के कंपैरिजन में एक मुकाबला करने वाले स्मार्टफोन हो सकते हैं। अब देखते हैं ये कंपनी किस तरह के स्मार्टफोन और किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है लोगों का, इसके ऊपर ही कह सकते हैं। ये दोस्तों चाइना की ही एक कंपनी। चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं, वो है व्हाट्सएप से जुड़ी। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपके लिए आ गया है एक नया अपडेट। हालांकि अभी इस पर काम चल रहा है लेकिन जल्द ही सबके लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। पहले बीटा यूज़र्स के लिए इसे रोल आउट किया जाएगा। तो मैं बता दूँ आपको कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और इसके साथ यूट्यूब पर आ चुका है पहले से ही यह फीचर। वो फीचर है दोस्तों नाइट मोड। नाइट मोड का मतलब दोस्तों रात के समय जब आप कोई भी इंटरनेट सर्फ करो या आप यूज़ करते हैं यूट्यूब, ट्विटर या इंस्टाग्राम, उस पर अगर आप कुछ भी पोस्ट देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो तो आपको नाइट विजन मोड, आपकी आँखों की रोशनी का जो प्रभाव होता है आपके आँखों पर जो बुरा प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए सभी एप्लीकेशन इस होड़ में लगी हुई है कि नाइट विजन ऑप्शंस मिल जाए। नाइट रात में आपको डार्क मोड मिलता है, तो डार्क मोड से क्या होता है कि सारा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है, तो आँखों पर इसका असर कम होता है। तो ये फीचर पहले ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर आ चुका है, लेकिन व्हाट्सएप जल्द ही से रोल आउट करने वाला है। तो
इसके साथ ही WhatsApp पर नए नए फीचर लगातार अपडेट होते रह रहे, ऐसी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। दोस्तों इसके अंदर एक फीचर ये है कि आप ऑन ऑफ भी कर पाएंगे, इसमें ऑटो कुछ नहीं है, आप मैन्युअली भी सेट कर पाएंगे, जैसे सुबह 6 से शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का, इस तरह से आप डार्क मोड का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर है वो है Realme U1 जो कि अभी पिछले दिनों में चल रही थी उसकी सेल, जो कि पहली सेल के अंदर ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला लोगों ने 2,00,000 यूनिट्स कुछ ही मिनटों के अंदर स्टॉक ख़त्म हो गया दोस्तों। इसके साथ ही जो सेकंड इसकी शाम को वापस 6 बजे उसी की सेल लगी थी, तो उस सेल के अंदर भी इसी तरह का माहौल रहा और सारे प्रोडक्ट यानी कि सारे स्मार्टफोन सारी यूनिट्स स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो दोस्तों इसकी अगर आपको इंटरेस्ट है Realme U1 स्मार्टफोन में तो आप भी कर सकते हैं शॉपिंग। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा 12 दिसंबर का। 12 दिसंबर को आने वाली है फिर से Realme U1 की जो सेल, उसके अंदर आप भी खरीद सकेंगे ऑनलाइन इस स्मार्टफोन को। हो सकता है इस बार अमेज़ोन पर ये आने की संभावना है, तो दोस्तों 12 दिसंबर को खरीद लीजिए Realme U1। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।